इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सीजन बहुत ज्यादा जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, सो आई थॉट लेट्स क्रिएट अ चैलेंज, 45 डेज चैलेंज, जिससे आप लोगों की जो कंसिस्टेंसी है एंड प्रैक्टिस है वो साथ साथ होती रहे। अब हमने क्वेश्चंस तो बहुत सारे कर लिए होते हैं, बट हम ना कॉन्सेप्ट्स वगैरह भूलते जाते हैं एज वी गो अहेड इन आर लाइक प्रिपरेशन टाइम, एंड जब इंटरव्यूज आने वाले होते हैं ना तो बड़ी दिक्कत होती है। सो इसके लिए ना मैंने एक कंसाइज 151 क्वेश्चंस की शीट बनाई है मैंने और सुभेश ने मिलकर, तो इसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे फ्रॉम एरेज टू डीपी, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस अच्छे से, एंड प्रैक्टिस करके ना उस टाइम पे ये ना हो यार मैं तो ये कॉन्सेप्ट ही भूल गया, फिर ये ट्रिक ही नहीं आती, अब ये टू पॉइंटर अप्रोच कैसे लगाते हैं, बाइनरी सर्च क्या हो रहा है, कुछ ऐसा भी ना हो कि समझ ही ना आ रहा हो कि क्या चल रही है चीज़ें। सो हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने 350-400 से लिस्ट स्टार्ट करी थी, हमने कट डाउन कर करके इसको 151 पे लाए हैं, बिकॉज 151 वी कैन ईजिली डू इन 45 डेज, तीन क्वेश्चन एक दिन में करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सो वी केम अप विद दिस। अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को बताता हूँ, एंड इसके साथ एक गिव अवे भी एसोसिएटेड है, सो डोंट स्किप द वीडियो। ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, आई एम निशांत सार, आई एम करंटली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट, एंड वी हैव लॉन्च्ड आवर फर्स्ट SDE इंटरव्यू प्रेप कोर्स एट एल्गो प्रेप, हमने रिसेंटली एल्गो प्रेप लॉन्च किया था, सो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट, आप लोगों की काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है उससे, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर प्लेसमेंट्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटर्नशिप्स, या फिर कंपनी स्विच का लाइक प्रिपेयर कर रहे हो, सो वी विल बी कवरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, OSD, BMS, OOPS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये सब तो पढ़ाएंगे, DSA पढ़ाएंगे, 400+ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं, एंड दो महीने के अंदर पहले DSA कंप्लीट कर देंगे। इसके बारे में और डिटेल्स चाहिए, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द वीडियो, आई बटन में आ रही होगी जो लॉन्च वीडियो है, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। अब मेरे साथ ना एक्चुअली हो रखा है, जब मैंने अपने इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यूज में दे रहा था, सो आई वाज सिटिंग आउटसाइड, एंड जो मेरे दोस्त आ रहे थे ना इंटरव्यूज देख के, मैं उनसे पूछता था यार क्या पूछा गया, कौन से टॉपिक से पूछा गया, तो मेरे को क्वेश्चन बताते थे, भाई मेरे को समझ ही ना आए, मैं कहूँ भाई ये तो मैंने पढ़ा तो था इस टाइप का कुछ, बट मेरे को याद ही नहीं आ रहा है। सो जब मेरे को रियलाइज हो गया रिविजन करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड रिविजन अगर ना करो तो हम चीज़ें बहुत जल्दी भूलते जाते हैं, सो दिस इज लाइक एंड रिजल्ट, जो जर्नी में मैंने चीज़ें सीखी है ना वो मैंने कोर्स में और इस शीट में एंड अपने एक्सपीरियंसेस में साथ साथ शेयर करता रहता हूँ, बिकॉज जो मिस्टेक मेरे से हुई है वो आप लोगों से ना हो। अब पहले थोड़े गिव अवे की बात कर लेते हैं, चैलेंज की बात कर लेते हैं, एक्जैक्टली है क्या सर गिव अवे में, आप लोगों को गुडीज़ वगैरह मिल रही होंगी, ठीक है, 5 लोगों को ये मिलेंगी, अभी कैसे मिलेंगी, कब मिलेंगी, क्यों मिलेंगी, मैं आगे बताता हूँ, ज़्यादा रूल्स हैं नहीं, 2-3 चीज़ें हैं जो आपको करनी है, अगर आप वो करोगे तो यू विल पार्टिसिपेट इन द गिव अवे लाइक ऑटोमेटिकली, एंड जो शीट का लिंक होगा वो आपको सबसे पहले लाइक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट लिंक विल बी द शीट लिंक, सो शीट हमने अपने एल्गो प्रेप वाले लाइक साइट पर ही डाल दिया, यू जस्ट हैव टू गो देयर, लॉग इन, एंड यू कैन लाइक एक्सेस दैट शीट, अब उस शीट को आप एक्सेस कर सकते हैं, एंड ये ईमेल क्यों ले रहे हैं, अरे लॉग इन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो गुडीज़ वगैरह बाद में मिल रही होंगी ना उसके लिए आपको ईमेल पे रीच आउट किया जाएगा, कमेंट्स में क्या प्रॉब्लम होती है, अगर कमेंट्स में ईमेल डलवाते हैं तो बहुत बार ये डिलीट हो जाती है, एंड उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है, एंड इस चीज़ को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा आसान होगा, सो इट विल बी ईजियर फॉर अस टू चूज द विनर्स एंड फॉर यू ऑल्सो, आपको एक जगह पर मिल जाएगी, बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, बस गए वहाँ पर क्लिक किया ये रही हमारी शीट। अब सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, जब आप ये कॉन्टेस्ट स्टार्ट करें, यू हैव टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, वेयर एवर यू वॉन्ट, यू हैव टू यूज द हैशटैग AlgoPrep151, इससे क्या होगा हमें ट्रैक करना इजी रहेगा हु ऑल आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग। अब आपको कैसे प्रूव करना है कि यू एक्चुअली डिड फॉर 45 डेज, गिटहब रिपोजिटरी बनानी है, गिटहब पे आपको अपने कोड्स को पुश करना है, अब ये जरूरी नहीं है कि रोज आप 3 ही कर रहे हो, ठीक है, यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंटली डू ऑल द क्वेश्चंस। अब इसमें चीटिंग करने का कोई फायदा है नहीं, बिकॉज इट्स फॉर यू, इट्स फॉर योर बेनिफिट, कुछ गुडीज के लिए अगर आप इसमें चीटिंग करोगे और एक ही दिन एंड में सारे क्वेश्चन आप पुश कर दोगे तो वो हमें पता चल जाएगा, एंड कॉपी पेस्ट करके भी करने का कोई फायदा नहीं है, दिस इज फॉर यू सो दैट यू कैन लर्न प्रॉपरली एंड आपको एक लाइक चीजें काम है। एंड द सेकंड चीज इज आपको जस्ट सब्सक्राइब कर लेना दोनों चैनल को, क्यूरियस चाहर को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड जो मेन अपना निशान चाहर इस पे वीडियो है दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना, बस ये 2-3 चीजें करनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, एक पोस्ट करना है, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना एंड लॉग इन करके आपको अपनी शीट मिल ही जाएगी। अभी एक तरीके से रिविजन शीट ही है, इसमें हो सकता है कुछ टॉपिक्स कुछ लाइक चीज़ें ना हो, बट इसको कंसाइज करना था, इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर, इतने सारे एल्गोरिथम वाली चीज़ें हमें सब डालनी थी, सो हमने इसको मैक्स कंसाइज किया एंड मैक्स क्वेश्चंस जो हम डाल सकते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब डालने का ट्राई किया, सो दिस इज़ लाइक आर बेस्ट वर्क, हमने बैठ के इसमें मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है एंड किया है, सो डेफिनेटली चेक इट आउट, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ में बैठ के प्रैक्टिस करोगे, पब्लिक में काम करोगे तो हेल्प मिलेगी। अब ये क्वेश्चन अगर अपने दोस्त के साथ सॉल्व कर रहे हो, चैलेंज साथ मिलकर ले रहे हो ना, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, बिकॉज मतलब जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी यू कैन डिस्कस इट विद हिम और हर, एंड वो पेयर प्रोग्रामिंग वाली चीज ना बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है। अब यार इंटर्नशिप प्लेसमेंट सीजन आने वाला है, सो कुछ टिप्स हैं आप लोगों के लिए विच विल हेल्प यू आउट व्हेन यू आर लाइक गिविंग इंटरव्यूज। सो सबसे पहली चीज़ होती है यार, हम ना बहुत हड़बड़ा जाते हैं जब हमें इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन मिलता है, ऑलवेज थिंक प्रॉपरली बिफोर स्पीकिंग, बिकॉज
जो सामने इंटरव्यूअर आपके बैठे हैं ना, वो आपको पूरे टाइम जज कर रहे होंगे, आपको हिंट्स वगैरह देंगे, आपको हेल्प करेंगे, बट ही और शी विल बी जजिंग यू एट ऑल द पॉइंट व्हाट एवर यू आर स्पीकिंग, राइट? सो एक बार ये सोचना माइंड में, लाइक सॉल्यूशन को बिल्ड करना, एंड उसके बाद ही जाके व्हाट एवर यू आर थिंकिंग वो बताना है, ठीक है? एंड हमेशा ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करना होता है, इवन इफ यू नो सबसे बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और लॉग इन की आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बताया या वन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सॉल्यूशन बताया, बट नहीं बताना सबसे गंदा सॉल्यूशन जो दिमाग में आ रहा है ना, ब्रूट फोर्स, लाइक एन क्यूब, एन फैक्टोरियल, जो भी दिमाग में आ रहा है सब बता दो, वहां से स्टार्ट करना है, फिर दिखाना है कि यू आर बिल्डिंग ऑन द स्पॉट, आप ऑन द स्पॉट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्ड कर रहे हैं, एंड दैट्स हाउ यू हैव टू लाइक सॉल्व एनी डीएसए प्रॉब्लम। ऐसा भी नहीं दिखाना है कि बहुत ज्यादा एक्टिंग कर रहे हो, और ऐसा भी नहीं दिखाना है कि आपको मतलब पहले से ही आती है चीजें, राइट? सो ये हमेशा ध्यान रखना है, दिस इज द टिप नंबर वन। सेकंड टिप इज यार अपना इंट्रोडक्शन, एंड किसी एक प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन ना बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना पहले से लिख के, बिकॉज जनरली जब आप जाते हो ना तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका इंट्रोडक्शन होता है इंटरव्यू में। अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छे से देते हो एंड अपने प्रोजेक्ट को वहीं पर एम्फेसाइज कर देते हो, या फिर जिस चीज में आप स्ट्रॉन्ग हो उस चीज को एम्फेसाइज कर देते हो, तो जनरली इंटरव्यूअर आपको उसके अराउंड क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे होते हैं, सो इट लाइक ऑलवेज हेल्प्स यू आउट इन दैट वे। एंड जब आप अपने प्रोजेक्ट का बताओ ना, तो ट्राई टू लाइक आंसर ऑल द व्हाई, हाउ, व्हाट, एंड उनको प्रिपेयर करके जरूर रख लेना कि क्यों किया था, कैसे किया था, क्या प्रॉब्लम्स आई थी, वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करी, एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड क्यों बनाया था। जनरली यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड इफ यू हैव आंसर टू ऑल दीज तो चीजें काफी आसान हो जाती हैं। अगर आपने एक्चुअली खुद प्रोजेक्ट किया होता है ना तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती है, बिकॉज अगर खुद प्रोजेक्ट किया है तो भाई मतलब बताइए दो सारे आंसर्स। एंड अगर आप लोगों के पास अभी प्रोजेक्ट्स नहीं है, इंटर्नशिप प्लेसमेंट सीजन के लिए रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स चाहिए, सो आई रिसेंटली मेड अ वीडियो, लाइक 40+ प्रोजेक्ट आइडियाज बताए थे उसमें आपको, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड, इसके अलावा डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, मतलब काफी सारी चीजों के बताए थे। इसके अलावा आपको इफ यू जस्ट नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ जावा तो भी मैंने प्रोजेक्ट आइडियाज बताए हुए उसमें। सो अगर आपको अभी और कोई चीज नहीं आती है, सो यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग वन ऑफ दोस, एंड अभी छुट्टियां चल रही हैं, अच्छे से यूटिलाइज करो उनका। एंड द थर्ड एंड द फाइनल टिप वुड बी यार थोड़े ना मॉक इंटरव्यूज देना स्टार्ट करो। देर आर अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स, लॉट ऑफ प्लेसेस जहां पे आप मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो, अपने दोस्तों के साथ मॉक इंटरव्यूज देना स्टार्ट करो, एक दूसरे के मॉक इंटरव्यू लो, ताकि आपको जो वो इंटरव्यू गिविंग स्किल होती है ना, एक स्किल होती है जो आप एक्वायर करते हो एज मच एज यू लाइक गिव मोर इंटरव्यूज, एंड जितना जल्दी एक्वायर करोगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा। बिकॉज इंटरव्यूज में ना कई बार होता है कि आपको सब कुछ तो आता है, आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, बट वो इंटरव्यूइंग स्किल नहीं आती, इंटरव्यू कैसे देते हैं वो स्किल नहीं आती, एंड उस वजह से हम काफी बार रिजेक्ट हो जाते हैं। सो दीज वर द टिप्स, अब चलते हैं अपनी शीट की बात, ठीक है? सो दिस इज द शीट, इस शीट पे मतलब बस इस लिंक पे जाना है आपको, आपको ये शीट एक्सेस हो जाएगी, थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन बाय नाउ, फ्री है ये, बट जस्ट सो दैट यू कैन लॉग इन। यहाँ पे हमने बाय नाउ वाली चीज डाली हुई है, लॉग इन कर लेना आपने आपको अपने जीमेल से या फिर ओटीपी के थ्रू, ठीक है? बस आपने ये किया, आपको मिल गया, अब बस जाना है, ओपन लिंक पे क्लिक कर देना है, एंड यू विल बी हेयर, आपको ये शीट अपनी मिल जाएगी, ठीक है? इस शीट पे यार हमने ना सारे क्वेश्चन डाले हुए, एज यू कैन सी हमने एरेज के क्वेश्चन डाले, टू पॉइंटर, रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग, बिट मैनिपुलेशन, हैश मैप्स, हीप्स, बाइनरी सर्च, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज, राइट, डीपी और ग्राफ्स। डीपी ग्राफ्स के हमने ज्यादा क्वेश्चन डाले, बिकॉज इन ये मतलब इंटरव्यूज में जनरली ज्यादा पूछे जाते हैं। हमने यहाँ पे एक डन वाला सेक्शन डाला हुआ है, सो दैट यू कैन जस्ट एड येस और नो, अगर आपने कर लिया तो येस कर दो, नो मतलब करने की जरूरत नहीं, या फिर इस पूरे रो को आप ग्रीन कर सकते हो। इससे बस यही होता है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव वो फीलिंग आती है कि यार ये तो मैंने कर दिया, चलो अब नेक्स्ट करता हूँ। साथ में कमेंट्स, हिंट्स वगैरह डाल सकते हो, दिस कैन लाइक एक्ट एज अ शीट जहाँ पे आपको रिविजन करनी है तो कर सकते हैं। अब रिविजन करने का एक और तरीका, जैसे मैंने रोटेट एरे वाला क्वेश्चन को खोला तो मैं यहाँ पे पहुँच गया अपने लीड कोड पे। लीड कोड पे ना यहाँ पे एक नोट्स वाला सेक्शन होता है, नोट्स वाला एक आइकन सा आता है, इसको क्लिक करोगे ना तो आप यहाँ पे साथ साथ नोट्स लिख सकते हो। अगर आपको कोई भी चीज़ है कि यार मेरे को याद करनी है, इसमें कोई ट्रिक यूज हुई थी, या फिर इसमें कोई मेरे को एक अलग अप्रोच दिमाग में आई थी, तो यहाँ पे यू कैन राइट इट डाउन एंड यू कैन चेक इट अगेन जब भी आप वापस आके देखते हो। सो इट इज़ वेरी यूजफुल, मतलब आपको इसको अच्छे से यूज कर सकते हो नोट्स वगैरह बनाने के लिए। एंड देर आर टू मोर लिंक्स, नंबर वन इज AlgoPrep वेबसाइट, आप डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हो, एंड सेकंड चीज इज द डिस्कॉर्ड सर्वर, वी रिसेंटली क्रिएटेड AlgoPrep का डिस्कॉर्ड सर्वर दैट यू कैन ज्वाइन, वहाँ पे जाके आप कम्युनिटी लर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई पेयर नहीं मिल रहा है प्रोग्रामिंग करने के लिए जो मैं बता रहा था, यू कैन आस्क पीपल फ्रॉम देयर, यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चंस, यू कैन गिव अपडेट्स ऑन दैट चैनल, एंड इससे ना एक पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड होता रहेगा, कम्युनिटी में हेल्प होती रहेगी। सो दिस इज ऑल यार, ये हमारा एक चैलेंज है, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू शेयर इट ऑन LinkedIn अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।